गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 13.2। नाइन्थ क्लास का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं और 13.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद आज हम करेंगे 13.2 एक्सरसाइज। तो मैंने आपको पहले बताया था अपनी बुक साथ में रखना, क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिखता हूँ तो काफी ज्यादा लेंदी वीडियो भी हो जाएगी और फिर उसमें क्वेश्चन शायद पूरा सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो हो काफी लंबी लंबी स्टेटमेंट दे रखी है। तो हम बुक साथ में रखना अपनी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 13.2 का। इसमें जो 13.1 हमने सोल्व की थी उसमें हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पहली एक्सरसाइज है उसमें क्यूब और क्यूबॉइड, सेकंड है उसमें सिलेंडर से सिर्फ एरिया की बात करेगा, नेक्स्ट है उसमें कोन पर चलेंगे, फिर स्फीयर पर चलेंगे, फिर 13.5 जैसे चलेंगे। अब ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएंगे ये वाली चीजें। तो हम एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज जैसे चलेंगे तो दो मैक्सिमम तीन फॉर्मूले आपके बनने वाले हैं। तो आप एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज फॉर्मूले अगर याद करते चले जाओगे तो आपके मैक्सिमम ये लगाओ कि अप्रोक्स 12 to 15 फॉर्मूले आपके इजीली याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इकट्ठे 12 to 15 याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज जो आपके फॉर्मूले आ रहे हैं उनको याद करते चलना। ओके, तो चलते हैं 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। तो सबसे मेन तो होता है आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना। इसमें बोल रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया उस सिलेंडर का जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया यानी उस सिलेंडर का एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, यानी डायमीटर निकालना हमें। तो बात की इसने कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो दो चीजें दे रखी वो लिख देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे दिया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमीटर कितना दे दिया, हाइट दे रखी, सॉरी डायमीटर निकालना है, हाइट हमारे पास कितनी दे दी 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की है तो मैंने पहले बताया था कि जिसकी बात करता है तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है हमारे पास, 2πRh। ये हमने उस वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे पास कैसे निकलते हैं कर्व्ड, कैसे निकलता है टोटल, कैसे निकलता है, वो पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, 2 × 22/7 × r फाइंड करनी है। हाइट 14 दे रखी है और इसमें ये क्या था हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो दे रखा है 88, तो उसके नीचे ही वो लिखा जाएगा इक्वल टू, के नीचे इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू ये रही हमारे पास। अब जो चीज फाइंड करनी है उसको वहीं छोड़ दो, रेडियस फाइंड करनी है। देखो आप यहां से रेडियस फाइंड कर सकते हो, जो रेडियस की वैल्यू आएगी उसको 2 times कर देना डायमीटर हो जाएगा, या फिर 2 times ऑफ रेडियस मेरे पास यहां है ही, डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं डायमीटर, मींस 2 times ऑफ रेडियस इसको मैं क्या रखता हूं डायमीटर ही लिख दूंगा डायरेक्ट। तो अब हमारे पास 88 और ये वाली चीज फाइंड करनी थी हमें, ये रही 7 डिवाइड में था, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 14 and 22 वो कहां चले गए डिवाइड में। कई बच्चे वैसे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रेडियस अगर रखते हो तो 2 भी डिवाइड में चला जाएगा, 22 भी, वहां पर हमारी रेडियस की वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा उसको फिर 2 times करना पड़ेगा। तो 2 यही रख लो ना इसके साथ ही, डायमीटर बन जाएगा अपने आप। इसको जब सोल्व करोगे तो 22 × 1 = 22, 4 × 2 = 2, 2 × 7 = 7 से ये कट गया, तो डायमीटर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये हमारा डायमीटर आ गया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ओके, तो इसके साथ ही हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 meter, यानी हमें क्या बताना है, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट 1 meter है एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि कब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वीडियो बोल रहा हूँ क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं वो कि कब हमें टोटल निकालना, कब इसमें, जैसे इस क्वेश्चन में बताया नहीं इसने कि टोटल निकालना है या कर्व्ड निकालना है, इसमें हमें खुद पहचानना है। जब हमारे पास सिर्फ चारों साइड का यानी उसकी बाउंड्री की बात करता है तो वो हमारे पास कर्व्ड होता है। मैंने क्यूब और क्यूबॉइड में बिल्कुल अच्छी तरह डिटेल से बताया था, अगर आपको डिटेल से सारी चीजें देखनी है कब हमें क्यूब कर्व्ड निकालना कब टोटल निकालना है, तो आपको आई वाले सिंबल पर क्लिक करते ही आपको वीडियो मिल जाएगी हमारी, उसमें आपको मिल जाएंगे वो वाले कि कब कर्व्ड निकालना कब टोटल। जब हमारे पास सिर्फ बाउंड्री की बात करता है, मींस जैसे मान लो ये होगा हमारे पास सिलेंडर शेप का है, तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ इसकी बाउंड्री के साथ साथ यानी यहां वाली चीजों की बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही टोटल की बात करेगा तो इसका टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो टोटल में ये फर्क होता है ये वाले दोनों फेसेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या बोला इसने, क्लोज्ड, इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन भी हो नीचे वाला पोर्शन भी है, तो क्लोज्ड का मतलब क्या होगा टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ओके, तो स्टेटमेंट समझ में आ गए, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, हाइट दे दी 1 meter,
हाइट 1 मीटर हो गई, ओके। और हमारे पास बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, पहले तो रेडियस में कन्वर्ट कर लो इसको, 140 को 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 70 सेंटीमीटर, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.7 मीटर, यानी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया दोनों यूनिट को, ओके। तो इसके बाद इसमें बोल रखा था टोटल सरफेस एरिया कब निकलेगा, यानी उसको बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ी, यानी कार्डबोर्ड से बना रहा किसी भी चीज से बना रहा वो, तो हमारे पास लगेगा तो ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि क्लोज्ड बनाना हमें तो दोनों जगह लगेगा, तो टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो जो हमारे पास काफी लेंथी ना हो, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन हमारा ज्यादा लंबा होता है तो कैलकुलेशन आपको खुद सोल्व करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करने तक हम सोल्व करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो। तो चलिए करके देखते हैं इसको, 2πr(r+h) ये हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना कैसे, ये वाली चीजें मैंने बताई हुई है पहले, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो 2πrh हमारे पास क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया, और मैंने बोला था कर्ड होता हमारा सिर्फ ये बाहर का, लेकिन मैं अगर देखता हूं तो इसके टॉप और बॉटम में क्या है, हमें सर्कल शेप दिखाई दे रही है, ओके। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और मेरे को पता है इस टाइप के एक ऊपर है और एक नीचे है, दो सर्कल है, तो इट मींस 2πr2। जब कर्ड में 2πr2 ऐड करते हैं तो 2 यहां भी है, यहां भी है, पाई दोनों जगह है, और एक आर यहां से भी कॉमन में आ सकती है, तो मैंने 2πr कॉमन में निकाल लिया, तो जैसे ही कॉमन में यहां से ये वाली चीज आई तो यहां पर बचेगा h, और यहां से सिंगल r गया था तो एक r भी बची है, यानी 2πr r+h बोल लो, फिर h+r, ये हमारे पास टोटल का इस टाइप से बनता है फॉर्मूला, ओके। तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है टोटल का, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है हमें, 2 × 22/7 × रेडियस कितनी आई थी हमारी, 0.7 × 0.7 + हाइट कितनी है हमारे पास, 1, 2 × 22/7 × 0.7 × क्योंकि ब्रैकेट जब हटाएंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1.7, 7 से 7 कटेगा तो 0.1 आ गया, ओके। 22 × 2 = 44 मल्टीप्लाई 17 × 1 = 17, एक डिजिट यहां थी और एक डिजिट यहां से आएगा तो क्या हो जाएगा 0.17, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। टोटल सर्फेस एरिया मीन्स टोटल सर्फेस एरिया पर है क्या चीज, अब वो शीट जिससे वो बना है, तो एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू टोटल जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वेयर, ओके, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये हमारा इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में इस टाइप का जो थर्ड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे आपको होलो की बात करता है, यानी इसमें एक ही सिलेंडर के अंदर दो टाइप के दिए होते हैं, तो उसमें किसकी, जैसे मान लो इस टाइप का है तो ये वाले पोर्शन में निकलवाया कितना लगा हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे बोल दिया इसने ए मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक 77 मीटर लॉन्ग पाइप है लॉन्ग, अब वो चाहे होलो हो चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसके अंदर कुछ रिफिल वगैरह जो डाली गई होती है, ये देखोगे ये वाला, इसका डायमीटर कुछ अलग है और बाहर वाले का डायमीटर कुछ अलग है, जैसे मान लो इसमें से कुछ निकालते हैं, ये वाला जो रिफिल होती है हमारे पास, ये तो आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें ये भी सर्कुलर शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, और ये भी इसमें, लेकिन अगर मैं इतने की बात करता हूं तो जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट अंदर वाले की है, यानी हाइट हमारे पास क्या मिलनी है, सेम मिलनी है, तो उसमें कंफ्यूजन मत करना। तो हाइट क्या दे दी हमारे पास, दोनों की वही हाइट हो जाएगी सेम, ओके। ए मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब लॉन्ग वाला केस और सोल्व कर देते हैं एक बार। अब इसने बोला लॉन्ग, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे रख रखा तो ये हो गया लॉन्ग लेंथ के केस में, जैसे ही मैं इसको खड़ा करूंगा तो इसकी जो लेंथ थी वही क्या हो गई, हाइट, तो यानी जो लेंथ होती है वही सिलेंडर के केस में हमारा हाइट का काम करेगी। तो हाइट कितनी हो गई, आई थिंक इट्स 77 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई। अब ये बोल रहा था इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जो हमारे पास पाइप है कुछ इस टाइप का, जो इनर अंदर वाला बात कर रहा है, इनर डायमीटर बोला है ना, द इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 4.4, तो इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी इनर 2 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी 4.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर, ओके। तो ये वाली चीजें निकाल चुके हैं अब हम। फर्स्ट पार्ट में इसने बोला इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी पहले केस में सिर्फ इनर की बात कर रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया मींस कर्व सरफेस एरिया इनर हो चाहे आउटर हो, फॉर्मूला वही रहेगा,
टू पाई आर एच। ओके, टू मल्टीप्लाई 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितनी है इनर वाले की 2 इंटू हाइट, हाइट दोनों में सेम मिलेगी 77। इसको जब काटोगे तो ये 11, 2 to the 4 एंड 4 to the 8 एंड 8 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे कैलकुलेशन में अगर थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना एक बार। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इनर का। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला आउटर का निकालना है। ओके, सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी सेम फॉर्मूला तो वही 2 पाई आर एच, लेकिन वैल्यू चेंज हो चुकी है 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 2.2, हाइट वही रहेगी 77। तो इसको जब कट करोगे तो 11 पर कट जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर, आउटर पार्ट का क्या हो जाएगा टोटल सॉरी कर्व्ड। अब इसने बोला टोटल सरफेस एरिया, देखो जो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर जैसे ही हम दोनों सर्कल ऐड करते हैं तो टोटल निकल कर आता है, इसमें वही बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, एक बार इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, कर्व्ड निकालना है टोटल निकालना है, जो दोनों के आंसर आए ना वो जरूर याद रखना आप। ओके, तो इसके बाद जो टोटल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कर्व्ड इनर का निकाल लिया आउटर का निकाल लिया, उसके बाद जो बात करेगा टोटल की तो इसमें क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया वो कैसे निकलेगा, जो इनर पार्ट है उसका कर्व्ड प्लस आउटर का कर्व्ड सरफेस एरिया, मींस इनर वाला ये वाला आ गया, आउटर में ये वाला आ गया, और टोटल की बात की तो ये वाली चीज भी तो है, लेकिन इसमें क्या है यहां पर अगर मैं इसको बढ़ा करके देखता हूं तो इस टाइप से ये वाला पोर्शन तो नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे टोटल में से अगर ये वाली चीज मैं माइनस कर देता हूं तो ये वाला आ जाएगा ना। तो वैसे ही इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर प्लस वही 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन आर होगी क्या, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दूंगा, यानी कर्व्ड का फर्स्ट का सेकंड का प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। ओके, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं। तो इसमें क्या करोगे, इनर का जो पीछे आंसर आया था 168 या 178 क्या था ध्यान नहीं है आप चेक कर लेना, प्लस जो आपका आउटर का आया था वो, प्लस इस चीज को सोल्व करके जो आंसर आएगा ना वो, इन तीनों को उठाकर आप जैसे ही प्लस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। तो आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, ये देखकर नहीं डरना है कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट ज्यादा दे दी तो नहीं सोल्व होगा। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन की स्टेटमेंट जितनी लंबी हो चुकी है क्वेश्चन आपके लिए उतना ही इजी, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर ही प्रोवाइड करवा रहा हूं। ओके, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर, रोलर का जो डायमीटर है 84 सेंटीमीटर हो गया एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ जो हो रोलर वाली वही बात आ गई, लेंथ जो होगी उसको अगर खड़ा कर देंगे तो हाइट का काम करेगी। ओके, इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस कवर द लेवल ऑफ ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में निकालना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे हम खड़े हैं इस जगह पर, हमें इस जगह को रोलर से प्लेन करवाना है, तो रोलर जो रोल करेगा ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा रोलर कैसे चलता है, ऐसे ही तो चलता है राउंड, यानी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही टच करते हुए चलता जमीन पर, या फिर किसी ने ऐसे देखा हो ऐसे चलता हो रोलर, किसी ने देखा हो तो वो गलत ही देखा होगा, रोलर चलेगा ऐसे, मींस सिर्फ बाउंड्री टच होते हुए चल रही, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है, यानी इसमें हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, पहली बात तो ये। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में जैसे ही ये वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, मींस एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर कर रहा है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जितना आएगा एक चक्कर लगाने में उतना ही एरिया कवर कर रहा है। ओके, ये वाली चीज समझ में आई, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो फिर बता देते हैं एक बार। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि रोलर हमारा इस शेप में चलेगा, इस टाइप से चलेगा, इसमें जैसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया कवर करना स्टार्ट करता है तो एक रिवॉल्यूशन जैसे कंप्लीट करेगा, ये एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करते क्या होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जितना है उतना ही तो कवर कर दिया इसने। ओके, तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक रोटेशन में जितना कवर किया है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल कर दिया। अब ये बोल रहा है मान लो इतना कवर किया है तो 500 टाइम्स इतना इतना कवर करेगा, तो टोटल कितना कवर कर रहा है ये फाइंड करो आराम से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में सोल्व करते हैं तो और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। इसमें दे दिया रोलर का इसने डायमीटर 84 सेंटीमीटर, डायमीटर 84 सेंटीमीटर एंड उसको हाइट ले लेता हूं मैं डायरेक्ट, वो है 120 सेंटीमीटर।
अब इसने बोला 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा रहा है और एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में लेकर चलना सेंटीमीटर में ले लो, यही मीटर में कन्वर्ट करना और यही भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वही 2πRh, डायमीटर दे रखा था उससे रेडियस निकाल लेते हैं पहले 42 सेंटीमीटर। अब मैं डायरेक्ट इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं, यहां पर तो ये क्या हो जाएगा 0.42 मीटर और ये क्या हो जाएगा 1.20 बोल दे फिर 1.2 मीटर, यानी दोनों ही चीजें चेंज कर दी मैंने यहीं पर, क्योंकि मीटर में ही निकालना हमें। 2 22/7 इंटू रेडियस कितनी आई हमारे पास 0.42 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 1.20 बोल सकते हो या फिर 1.2 ही बोल दो, इसको जीरो लेकर चलने की जरूरत नहीं होती बिकॉज इट डजंट मैटर द जीरो आफ्टर डेसिमल, वी कैन रिमूव इट। 0.42 मल्टीप्लाई 1.2 हो गया, तब इसको कैंसिल करेंगे 7 1 7 6 यानी 0.6 ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करना आप, ओके वो आपका क्या आ जाएगा एरिया। तो एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन वो क्या आ जाएगा जो हमारा एरिया आया है वो ही। अब इसने बोला टोटल 500 राउंड लगाने उसको, तो टोटल एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, 500 रिवॉल्यूशन में क्या होगा जो हमारे पास एक राउंड का जो एरिया आया है उसको उठाकर मैं क्या कर दूंगा 500 से मल्टीप्लाई, तो उतना ही एरिया वो क्या कर देगा 500 राउंड में कवर कर देगा। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेम वही चीजें हैं, एरिया निकाला, एरिया को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि एक रोटेशन में तो उतना ही एरिया कवर कर रहा है जितना उसका कर्व सरफेस एरिया था, लेकिन 500 राउंड में कितना कवर करेगा 500 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारा आंसर आ गया। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोल दिया ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर दे दिया एंड हाइट 3.5 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है, तो इसमें सीधी सी बात है कर्ड सरफेस एरिया बोल दिया तो हमें वही निकालना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बता दिया इसने 12.50 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। ओके इसे मीटर स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, तो अगर हमारे पास डायमेंशन सेंटीमीटर में देता तो भी हमें मीटर में ही निकालना पड़ता क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो इसमें डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, ओके 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, और जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.25 मीटर, यानी साथ साथ कन्वर्ट करते हुए चलना क्योंकि मीटर स्क्वायर में कॉस्ट निकालनी है, वो दे रखी है कॉस्ट। और नेक्स्ट इसने दे दिया हाइट, दे दिया 3.5, हाइट इसने मीटर में ही दे रखी है, ओके। तो अब हम कर्ड सरफेस एरिया जैसे ही निकालेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो क्या हो जाएगा 2πRh, ओके 2 एक बार चेक करना दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, 2 × 22/7 इंटू रेडियस 0.25 इंटू हाइट 3.5, 7 1 7 5 इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया, किसमें मीटर स्क्वायर में, ये हमारे पास एरिया आ चुका है, ओके। अब इसने बोला था कि हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 12.50 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12.50 रुपीज, यानी 12.5 रुपए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। अब हमारे पास एरिया है कितना टोटल, एक से तो ज्यादा ही आएगा इनको मल्टीप्लाई करके, तो हम ज्यादा कम से ज्यादा की जब वैल्यू निकालते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, और ज्यादा से कम पर वापस आते हैं तो हम करते हैं डिवाइड। तो इसमें एक का हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, तो हमें निकालने क्या है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो हमारे पास टोटल एरिया आया है ना उस एरिया की, तो 12.50 ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई कर दोगे जो हमारे पास एरिया आया है उसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट आ चुकी है उसको पेंट करवाने के, फिर व्हाइट वॉश जो भी कुछ बोल रखा है इसको। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन आज सॉल्व हो चुके हैं इस वीडियो में, वैसे वीडियो जैसे ज्यादा एक्सप्लेन अगर करते हैं ना तो क्वेश्चन और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं क्वेश्चन के लिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए छोटे छोटे पार्ट में थोड़े थोड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपका क्या होगा वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देख भी सकते हो, क्योंकि अगर हम वीडियो को एक घंटे की देखते हैं तो वीडियो देखते ही वीडियो की टाइमिंग देखते ही हमारा मन तो वैसे ही खराब हो जाता है। तो हम छोटे छोटे पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हमारे पास मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन सोल्व होंगे, तो इनको अच्छी तरह से सोल्व करना। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है क्वेश्चन 6 से लेकर 11 तक सोल्व करने के लिए, तब तक आप ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए।
और थोड़ा टाइम लगता है, तब तक 13.1 के जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उनको अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हैं एक बार। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप प्लीज कमेंट करना, यहां तक के क्वेश्चन के हम फिर से एक बार वीडियो बना देंगे अगर कोई डाउट है तो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए टेक केयर, बाय।